अच्छा फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे 3 वीडियो शूट करना है अलग अलग पार्ट में। जैसा कि वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 3 वीडियो शूट किए हैं अलग अलग पार्ट में, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 12 सेकेंड के आसपास कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। आप जब लेयर लेंगे तो आपको यहाँ पे 20 सेकेंड के आसपास लेयर ले लेना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपका फुल साइज में हो जाएगा और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले पार्ट को वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पार्ट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे 3 से 4 सेकेंड के आसपास वीडियो शूट होना चाहिए। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को शूट कर रखा हूँ तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। तो सिंपल मैंने देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की शॉर्ट पहना हो तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 3.6 सेकेंड का सीन चाहिए। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और वीडियो को आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेम टू बैक कर देना है, तो आपका वीडियो बैकग्राउंड में आ जाएंगे। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, क्रोमा की को क्लिक करना है और क्रोमा की को सिर्फ आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डन करना है। तो अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस एक्स्ट्रा वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है तो आपको देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब फिर से देख सकते हैं यहाँ पे आप 5.9 पे आपको ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है, तो 5.9 पे आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर आपको सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं अब रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट मैंने देख सकते हैं रेड शॉर्ट में शूट किया गया है, सेकेंड वाला पार्ट कुछ इस तरह से शूट किया गया है, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे शॉर्ट को चेंज कर दिया हूँ। आपको सेकेंड सीन लेना है, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको 5.99 पे आना है। इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और आपको देख सकते हैं जहाँ तक आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक आपको सीन चाहिए। सिंपल मैं दिखा देता हूँ, 10.5 पे आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। फिर से वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वीडियो को आगे तक लेकर आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लैक कलर फिर से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आपको देख सकते हैं सेकेंड वीडियो, लास्ट वीडियो फिर से आपको स्टार्ट होना है। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आना है, तो सिंपल इसी वीडियो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे, फुल साइज में वीडियो को सेलेक्ट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। तो मैं आपको एक बार सबसे पहले वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैं एक बार आपको वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और हमारा वीडियो प्रॉपर यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको वीडियो जो है तीन तीन पार्ट में शूट कर लेना है।
जब वीडियो आप शूट कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो आप बिल्कुल आसानी से एडिट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं, उसी वीडियो के साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ हिंडल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।